नमस्कार साथियों, आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर का दिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें गणित आपका एक विषय है या कहीं भी किसी भी रूप में गणित से आपका साथ रहा है तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए। 22 दिसंबर दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, रामानुजन जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन जी जितने खास थे उतने ही खास उनके साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रामानुजन जी को कोई नेचुरल पावर थी जिसकी वजह से वो बहुत सारी थ्योरम्स को विद इन सेकेंड सॉल्व कर दिया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सपनों में उनको कोई प्राकृतिक शक्ति ऐसी थी जो आकर उनके प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया करती थी। खैर, ये तो किंवदंतियाँ हैं। ऐसी अनेक चीज़ें रामानुजन जी ने दी हैं जो बहुत कम समय में उन्होंने सॉल्व कर दी। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के एक विद्यार्थी के रूप में एक ऐसा ही छोटा सा प्रयास मैं करने जा रहा हूँ। रामानुजन जी ने जो एक थ्योरी दी थी उस थ्योरी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, वो थ्योरी क्या थी एक बार मैं थंबनेल पे भी दिखा दूँ। वो थ्योरी कुछ इस प्रकार से है। रामानुजन जी को या रामानुजन जी के साथ द मैन हु नोज इन्फिनिटी ये लाइन जरूर चलती है और ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसी इक्वेशन की वजह से इनको कहा जाता है द मैन हु नोज इन्फिनिटी और इसी को प्रूव करने का प्रयास हम लोग आज करेंगे। देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 + 2 को जोड़िए, है ना, 1 + 2 को जोड़िए तो एक सामान्य इंसान का जो आंसर होगा वो होगा 3। और अगर इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहा जाए कि 1 + 2 + 3 क्या होगा तो शायद आप कहेंगे कि आंसर होगा 6। इसी बात को अगर और आगे बढ़ाएं 1 + 2 + 3 + 4 तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा 10। मतलब अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ते चलें लगातार तो आंसर हम लोग कहेंगे एंड में आएगा पॉजिटिव। लेकिन जब रामानुजन जी से ये बात कही गई, ये बात पूछी गई कि रामानुजन ये बताइए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अगर इसको मैं अनंत तक जोड़ लूँ, इन्फिनिटी तक जोड़ लूँ तो आंसर क्या होगा, रामानुजन जी ने बिना कोई समय गवाए इसका आंसर मार्क करा -1/12। देख रहे हैं कितनी विचित्र सी बात है कि पॉजिटिव नंबर्स को जोड़कर, धनात्मक संख्याओं को जोड़कर उन्होंने अपना आंसर बताया -1/12। और सबसे बड़ी बात, प्रूफ उन्होंने इस बात को बाद में करा। तो बस इसी प्रूफ की तरफ इस वीडियो में हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं ये प्रूफ होता कैसे है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ रामानुजन जी करके गए थे, है ना। मैं तो केवल एक प्रयास कर रहा हूँ उस बात को वापस साबित करने का। तो हमें जो बात प्रूव करनी है वो कुछ ऐसी है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और अगर मैं इसे अनंत तक लेके जाऊं तो ये आनी चाहिए -1/12, है ना। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं कि भाई ये इक्वेशन है मेरी जो कि एस के रूप में है ना, ये मैं कर सकता हूं। अब कुछ इक्वेशंस मुझे और ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक इक्वेशन मैं ए लेता हूं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 और इसी प्रकार से ये जाएगी अनंत तक। ठीक, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूँ और मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये 1 इतने वाले हिस्से से मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे को वापस देखने को मिलता है 1 - 1, क्योंकि देखिए इस प्लस की जगह मैं -1 लिखूंगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है। फिर आगे +1 - 1 + 1 - 1 और ये आगे चलता रहेगा अनंत तक। और इसको फिर मैं आगे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि a की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 1 - a, क्योंकि देखिए ये मेरे पास a है, है ना। इसको और आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, माइनस का a इधर जाएगा तो बनेगा प्लस का a, 2a की वैल्यू 1। या फिर और बात आगे बढ़ाएं तो a बनता है मेरे पास 1/2।
तो उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक छोटी सी बात हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे निकाली कि a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास बनती है 1/2। एक इक्वेशन और लेनी पड़ेगी हमें। अब की बार जो इक्वेशन मैं ले रहा हूँ उसको मैं b का नाम देता हूँ, और मान लीजिए b कुछ इस प्रकार से है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, और ये इक्वेशन या समीकरण भी मेरी अनंत तक जाती है। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ 1 - 2 + 3 - 4 + 5, और इसको भी लेके चलते हैं हम लोग अनंत तक। अब देखिए ये दो इक्वेशंस मेरे पास, एक ही इक्वेशन के दो रूप मेरे पास हो गए हैं, मैं इनको जोड़ लेता हूँ। जब मैं इनको जोड़ूंगा बी और बी जोड़ूंगा तो मेरे पास बनेगा 2b। 1 ऐसा कैसा, -2 और +1 मुझे -1 देगा, +3 और -2 ये मुझे देगा वापस क्या, +1, -4 और +3 ये मुझे देगा -1। मतलब हम लोग अगर देखें तो इक्वेशन अगेन +1 - 1 के रूप में अनंत तक जाएगी। अब ये इक्वेशन तो मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, ये मेरी a की वैल्यू है। इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं a लिख सकता हूँ, लिख देते हैं, मैं लिखूँगा भाई 2b की वैल्यू जो है मेरे पास वो बनती है a, या फिर यहाँ से अगर मैं इंडिविजुअल b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो बनेगी a/2। और बच्चों a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 × 1/2 या फिर 1/4। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब इसी बात को हम लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। चलिए लेके चलते हैं, अपनी बात को प्रूव करते हैं। ये वाला एरिया हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इतने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, चलिए बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। कुछ एरिया हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, लिखता हूँ b - s। मतलब ये जो इक्वेशन b थी इसमें से मैं ये इक्वेशन s को माइनस कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8, और ये जाएगा मेरा अनंत तक। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ s वाले इक्वेशन जो कि कुछ इस प्रकार से है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये भी आगे जाती है मेरी अनंत तक, इन्फिनिटी तक। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। b - s की वैल्यूज कुछ इस प्रकार से बनेंगी, ये +1 और ये -1, तो मतलब +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा जो कि मेरे पास बेसिकली 0 बन जाएगा, और 0 को मैं नहीं लिख रहा। ये -2 और इस माइनस की वजह से ये +2 भी मेरा -2 बनेगा, तो -2 और -2 मेरे पास आने वाला है -4, +3 और ये -3, ये कट के वापस क्या आ जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं, -4 और इस माइनस की वजह से ये बनेगा मेरे पास -4, -4 और -4 मुझे देगा -8। जैसे हम लोगों ने पीछे के नंबर सॉल्व करें उसी प्रकार 5 से 5 कट के 0 हो जाएगा, -6 और -6 मुझे -12 देगा, फिर -16, और ये इक्वेशन भी मेरी चलती जाएगी कहाँ तक, अनंत तक। इसको और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पर और लिख सकता हूँ कि b - s जो है उसके लिए ये -4 मेरे पास कॉमन है। अगर -4 मेरे पास कॉमन है तो देखिए अंदर बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, अगेन अनंत तक ये बात जाने वाली है। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ b - s = -4, और यही इक्वेशन से तो हम लोगों ने हमारी गाड़ी स्टार्ट करी थी जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, s, तो मैं इसको लिख देता हूँ -4s, है ना। s को मैं इस तरफ ले आता हूँ और b को उधर भेज देते हैं, -4s इधर आके +4s + 4s और -s, मतलब 3s, b उधर जाके बन जाएगा -b। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो s की वैल्यू बनेगी -b/3, और देखिए हम लोग अपनी b की वैल्यू पहले निकाल चुके थे
बी की वैल्यू थी हमारे पास 1/4, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/4 इंटू 1/3, या फिर एस की वैल्यू आएगी माइनस का 1/12। और यही बात हमें प्रूव करनी थी। व्हाट अ शीयर जीनियस दैट मैन वॉज। इस प्रकार की प्रतिभाएं हजारों वर्ष में एक बार जन्म लेती हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये इंटरेस्टिंग थ्योरी जो रामानुजन जी ने दी थी आप तक अच्छे से पहुंच गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक ऐसा जीनियस जो हमारे देश में हुआ, जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, मैं चाहता हूं उसकी बात सब तक पहुंचे, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, रामानुजन जी की थ्योरी है। थैंक यू सो मच।